हेलो एवरीवन, चलिए तो आज सीखेंगे कि प्रीमिक्स से केक कैसे बनाया जाता है। तो मैंने सब टिप्स एंड ट्रिक्स डिटेल में बताई हुई है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। ये मैं 1/2 kg के लिए स्पॉन्ज बना रही हूँ और 1 cup मैंने प्रीमिक्स ले लिया है। 1 cup मेरा 200 ml का है, उसी में हम 1/2 cup पानी डाल देंगे। उसके बाद 2 tablespoon हम ऑयल डालेंगे और फिर एक विस्क की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे वेट मशीन भी रखी है जिससे आप प्रॉपर वेट मेजरमेंट भी देख सकते। पहले आपको मिक्स करते हुए लगेगा कि पानी थोड़ा कम है, तो हम थोड़ा सा पानी बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर ज्यादा पानी हमको ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके लाइक 1 tablespoon जितना या 2 tablespoon जितना हम एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप बैटर को थिक रखोगे तो आपका केक कड़क होने के चांसेस हैं, और अगर ज्यादा ही लिक्विडी रखोगे तो आपका केक फूलेगा नहीं प्रॉपरली। तो इसीलिए हमको पानी एकदम ध्यान से डालना है, ना ज्यादा ना कम। और ये देखो बैटर की कंसिस्टेंसी मैंने कैसे रखी है, आप भी ऐसे ही रखना। और पॉट में हम डाल रहे हैं अभी। आप चाहे तो गैस पर भी बेक कर सकते हो 25 मिनट्स के लिए, या फिर जिसके पास ओवन है वो ओवन में भी बेक कर सकता है 25-30 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पर। मैंने ओवन में बेक किया था, मैं गैस पर भी बेक करने का वीडियो आपके लिए जल्दी ही लाऊंगी। हमारा केक बेक होके आ गया है, अभी टूथपिक इंसर्ट करके हम देख लेंगे कि ये पका है कि नहीं। अभी मैंने बटर पेपर हटा दिया और देखो हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है और इसमें से 3 layers भी निकल गए। और देखो अभी मैं कितना सुंदर सा केक डेकोरेट करूंगी। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी स्पॉन्ज को गर्म में आप नहीं कट करेंगे। हमेशा स्पॉन्ज को एक दिन पहले ही बनाकर रखिए, या फिर आप उसको अच्छे से ठंडा कीजिए फिर ही उसको कट कीजिए। और अभी देखो मैं कितना सुंदर सा केक इसी स्पॉन्ज से डेकोरेट कर दूंगी ऑर्डर के लिए। चॉकलेट केक था तो चॉकलेट आइसिंग ही मैंने लगाई है और ऊपर से कुछ अलग डेकोरेशन है, यूनिक है, एक बार देख लेना लास्ट तक। मैंने और भी बहुत सुंदर सुंदर केक्स डेकोरेट किए हुए हैं और अपलोड भी किए हुए हैं, आप वो भी देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ बहुत सारे वीडियोस की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और आपको केक का डेकोरेशन भी अच्छा लगा हो। और अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहेगा तो मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाती रहूंगी और आपको एंटरटेन करती रहूंगी और आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी भी। तो देखो केक पूरा हो गया है रेडी, एकदम क्यूट सा लग रहा है। तो प्लीज अभी जल्दी से जाके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो करो ही करो। मिलती हूँ फिर जल्दी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।